कि जिस व्यक्ति का कषाय मंद होता है वह क्षमा करना भी जानता है, ऐसे लोग भी हैं। एक बार भी कुछ हो गया, ऐसी गांठ घुल गई कि मरते समय श्वास तो उसका निकल जाएगा पर वह गांठ मरते समय भी नहीं खुलेगी, साथ लेकर चला जाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं, तो समझ लो कि वह व्यक्ति कोई तीव्र कषाय वाला व्यक्ति है, मंद कषाय वाला है। वह पहले तो ऐसा असद व्यवहार करता नहीं, और अगर किसी के साथ हो गया तो शांत कर देता है, और किसी दुर्जन व्यक्ति ने उसके साथ अप्रिय व्यवहार किया, असद व्यवहार किया, उसे भी वह क्षमा करना जानता है। बहुत बड़ी बात है क्षमा करना। मंद कसाय के लक्षण, एक प्रिय वचन, कटु वचन नहीं बोलता, दूसरा दुर्वचन कहने वाले को भी क्षमा कर देता है, और दुर्जन दुर्व्यवहार करने वाले को भी क्षमा कर देता है। तीन कसौटियां या तीन लक्षण हमारे सामने आ गए। चौथा लक्षण है गुण ग्रहणम, गुण ग्रहण। दोनों प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि गुण में भी दोष देखता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि दोष में भी गुण देखता है, दूसरे के गुण का ग्रहण कर सकता है, दूसरे के ग्रहण की गुण की प्रशंसा कर सकता है, और दूसरे के गुण को प्रोत्साहन भी दे सकता है। जिस व्यक्ति में गुण ग्रहण करने की क्षमता है वह वास्तव में शांत कषाय वाला है।